जिस दिन ये घटना घटी, अफ्रीका से आने वाली नम सिरोको हवा बह रही थी। बहुत ही खराब है ये हवा, यह चिड़चिड़ापन पैदा करती है, मूड बिगाड़ती है, और यही वजह थी कि दो गाड़ीवानों जुसेपो चिरोता और लुइजी मेता में झगड़ा हो गया। झगड़ा अचानक ही शुरू हुआ, यह समझना कठिन था कि पहल किसने की। लोगों ने तो सिर्फ यही देखा कि जुसेपे की गर्दन को पकड़ लेने की कोशिश करते हुए लुइजी उसकी छाती पर झपटा और जुसेपे ने सिर को कंधों के बीच दुबका कर अपनी मोटी और लाल गर्दन को छिपा लिया तथा अपने मजबूत और काले काले घूंसे दिखाए। लोगों ने उन्हें तुरंत अलग करके पूछा, बात क्या है? गुस्से से आग बबला होते हुए लुइजी चिल्लाया, इस सांड ने मेरी बीवी के बारे में जो कुछ कहा है उसे सभी के सामने दोहरा दे तो अच्छा हो। चिरोता ने यहां से चल देना चाहा, घृणा से मुंह बनाया जिसमें उसकी आंखें छुप सी गई और उसने काले बालों वाले गोल सिर हिलाते हुए बुरे शब्दों को दोहराने से इनकार कर दिया। तब मेता ने जोर से कहा, इसका कहना है कि मेरी बीवी के प्यार की मिठास चख चुका है। ओहो, लोग कह उठे, ये तो कोई मजाक नहीं, गंभीर मामला है। तुम शांत हो जाओ लुइजी, तुम यहाँ पर आए हो लेकिन तुम्हारी बीवी हम लोगों में से है, हम सभी उसे बचपन से जानते हैं और अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है तो उसके अपराध की छाया हम पर भी पड़ती है, हम इंसाफ करेंगे। इसके बाद उन्होंने चिरोता से पूछा, तुमने ऐसा कहा था? हाँ कहा था, उसने स्वीकार किया। और यह सच है? क्या कभी किसी ने मुझे झूठ बोलते देखा है? चिरोता सदगृहस्थ था, परिवार की चिंता करता था। मामले ने गंभीर रुख ले लिया, लोगों को बड़ी परेशानी हुई और वे सोच में डूब गए। इसी समय लुइजी ने घर जाकर अपनी बीवी कुचिता से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम यह सिद्ध नहीं कर देती कि इस कमीने का दावा झूठा है तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी वास्ता रखने को तैयार नहीं हूँ। जाहिर है कि वो रोई धोई मगर आंसू तो कुछ साबित नहीं करते। लुइजी ने उसे छोड़ दिया और वह बेचारी गोद में बेटा लिए हुए रोजी रोटी के सहारे के बिना रह गई। अब औरतों ने दखल दिया, सबसे पहले तो कुंजड़िन कतारिना ने, समझदार लोमड़ी मांस हड्डियों से ठूंस ठूंस कर भरे हुए बोरे जैसी और उसके ढीले ढाले शरीर पर कहीं कहीं तो बेतहाशा झुर्रियां थी। महानुभावो, वो बोली, आप सुन ही चुके हैं कि यह हम सबकी इज्जत का सवाल है, यह तो चांदनी रात में मन के मचल उठने पर की जाने वाले कोई मामूली सी छेड़छाड़ नहीं है, दो माताओं के भाग्य का मामला है, ठीक है ना? मैं कुचिता को अपने घर ले जाती हूँ और जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाएंगे वो मेरे यहाँ रहेगी। बाद में कतारिना और हाड़ हड़ीली चुड़ैल लुइजिया ने, जिसकी कर्कश आवाज 3 मील तक सुनाई देती थी, बेचारे जुसेपे को आड़े हाथों लिया। उन्होंने उसे बुलाया और उसकी आत्मा को पुराने चिथड़े की तरह नोचने लगी, तो ये बताओ भले आदमी, बहुत बार तुम्हें कुचिता के प्यार की मिठास पाने का मौका मिला? मोटे जुसेपे ने गाल फुला लिए, कुछ देर सोचा और जवाब दिया, एक बार। यह तो तुम बिना सोचे भी कह सकते थे, लुइजिया ने सुनाकर, लेकिन इस तरह कहा मानो अपने से ही बात कर रही हो। ऐसा शाम को, रात को या सुबह के वक्त हुआ? कतारिना ने बिल्कुल एक जज की तरह से पूछा। जुसेपे ने सोचे विचारे बिना ही कह दिया कि शाम को हुआ था। उस वक्त तक रोशनी थी ना? हाँ, बुद्धू ने जवाब दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने उसका शरीर देखा था? बेशक देखा था। तो हमें यह बताओ कि वह कैसा है? अब उसकी समझ में आया कि इन सवालों का क्या उद्देश्य था और इस चिड़िया की तरह जिसके मुंह में जौ का दाना फंस गया हो उसका मुंह खुल गया। वह सारी बात समझ गया और गुस्से में ऐसे बौखला कर हड़बड़ाया कि उसके बड़े बड़े कान सुर्ख हो गए। मैं क्या कह सकता हूँ, वो बोला, मैंने डॉक्टर की तरह उसकी छानबीन तो नहीं की। तुम फलों के रंग रूप की प्रशंसा किए बिना ही उन्हें खाते हो? लुइजिया ने जानना चाहा, लेकिन फिर भी शायद कुचेतिना के शरीर की किसी एक विशेषता या लक्षण की ओर तो तुम्हारा ध्यान गया ही होगा, उसने पूछना जारी रखा और साथ ही उस नागिन ने उसे आंख भी मारी। यह सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि सचमुच मैं कुछ भी नहीं देख पाया, जुसेपे ने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, कतारिना बोली। वह दयालु औरत थी लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत कठोर भी हो सकती थी। थोड़े में यह कि उन्होंने उल्टे सीधे असंगत जवाबों में से उसे ऐसे उलझा दिया कि उस मोटी खोपड़ी वाले ने आखिर यह मान ही लिया। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने तो सिर्फ दुर्भावना से ऐसा कह दिया था। बुढ़िया को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, हमारा भी ऐसा ही ख्याल था,
उन्होंने कहा और उसे जाने की अनुमति देकर मामला मर्दों के सुपुर्द कर दिया। एक दिन बाद मजदूरों की पंचायत हुई। एक नारी को बदनाम करने के अपराध में चिरोता उनके सामने खड़ा था। बूढ़े लोहार जाकमो फास्का ने बहुत समझदारी की बात कही, जब हम अपने प्रति न्याय चाहते हैं तो हम दूसरों के साथ भी न्याय करना चाहिए। सभी को यह मालूम हो जाना चाहिए कि हम जिस चीज की मांग करते हैं उसका ऊंचा मूल्य भी जानते हैं, पर हमारे मालिकों की तरह न्याय हमारे लिए बेमानी शब्द नहीं है। हमारे सामने वो आदमी है जिसने एक नारी की झूठी बदनामी की, अपने साथी का अपमान किया, एक परिवार को बर्बाद कर दिया और अपनी पत्नी को जलन तथा लज्जा का शिकार बनाकर दूसरे परिवार में दुख दर्द लाया। हमें उसके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? 67 आवाजों ने एक साथ जवाब दिया, इसे हमारी बिरादरी से निकाल दिया जाए। किंतु 15 लोगों को यह दंड बहुत कठोर प्रतीत हुआ और उनमें विवाद छिड़ गया। वे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे कि एक इंसान की किस्मत के फैसले का सवाल, और सो भी एक ही किस्मत की नहीं, वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं और भला बीवी तथा बच्चों का क्या कसूर है? उसका अपना घर है, अंगूरों का बगीचा, घोड़ों की जोड़ी और विदेशियों के लिए उसके पास 4 गधे भी हैं। ये सब कुछ उसके खून पसीने, उसकी कड़ी मेहनत का फल है। बेचारा जुजेपे एक कोने में कुर्सी पर झुका हुआ अकेला बैठा था, बच्चों से घिरे हुए शैतान की तरह खिन्न लग रहा था। अपने टोप को हाथों से तोड़ता मरोड़ता जा रहा था। उसने उसके फीते को तो फाड़ भी डाला था और उसके हाथों की उंगलियां ऐसे कांप रही थी जैसे वायलिन वादक की वायलिन बजाते समय। और जब उससे यह पूछा गया कि वह अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है, तो मुश्किल से सीधा खड़ा होकर बोला, मुझ पर रहम कीजिए, दुनिया में दूध का धोया हुआ तो कोई भी नहीं है। जिस धरती पर मैंने अपने जीवन के 30 बरस बिताए हैं और जहां मेरे दादा परदादा खून पसीना एक करते रहे हैं, उस धरती से मुझे खदेड़ देना न्याय नहीं होगा। औरतें भी उसे यहां से निकाल देने के खिलाफ थी और आखिर में बूढ़े फास्का ने ऐसा करने का सुझाव दिया। दोस्तों, अगर हम उसके कंधों पर लुइजी की बीवी और उसके बच्चे के पालन पोषण का बोझ लाद दें तो उसके लिए अच्छी सजा होगी। लुइजी जितना कमाता था वह उसके आधे के बराबर लुइजी की बीवी को दे दे। इसके बाद भी काफी बहस चलती रही, लेकिन आखिर यही फैसला मान लिया गया। जुजेपे बहुत खुश था कि इतने सस्ते में ही छूट गया। सभी को इस निर्णय से संतोष हुआ क्योंकि मामला अदालत कचहरी में नहीं गया, चाकू छुरियां चलाने की नौबत नहीं आई, अपने लोगों के हलके में ही सब कुछ तय हो गया। महानुभाव, हमें तब अच्छा नहीं लगता जब हमारे मामले के बारे में ऐसी भाषा में अखबारों में लिखा जाता है जिससे समझ आने वाले शब्द बूढ़े के मुंह में इन्हें गिने बातों की तरह ही कम होते हैं, या फिर जब हमारे लिए पूरी तरह से अजनबी और जिंदगी को बहुत कम समझने वाले जज हमारे बारे में ऐसे अंदाज में सोच विचार करते हैं मानो हम तो जंगली और वे शराब तथा मछली के जायके के अनजान फरिश्ते हों और औरतों से उनका कोई वास्ता ना रहा हो। हम सीधे साधे लोग हैं और जीवन के प्रति ऐसा सीधा साधा ही दृष्टिकोण रखते हैं। सो यही तय रहा कि जुजेपे चिरोता लुइजी मेहता की बीवी और बच्चे को भरण पोषण करेगा। लेकिन मामला इसी तरह से खत्म नहीं हुआ। लुइजी को जब यह पता चला कि चिरोता ने जो कुछ कहा था वह झूठ था, कि उसकी बीवी बिल्कुल निर्दोष है तथा उसे हमारे निर्णय की भी सूचना मिली है, तो उसने अपनी पत्नी को छोटा सा निम्न पत्र लिखकर अपने पास आने को कहा, तुम मेरे पास लौट आओ और हम फिर से सुखी जीवन बिताएंगे। उस आदमी से फूटी कौड़ी भी न लेना और अगर ले चुकी हो तो उसके मुंह पर दे मारो। तुम्हारे सामने मैं भी निरपराध हूँ क्योंकि कभी सोच तक नहीं सकता था कि कोई आदमी प्यार मोहब्बत के मामले में भी ऐसा झूठ बोल सकता है। चिरोता को उसने दूसरा ही पत्र लिखा, मेरे 3 भाई हैं और हम चारों ने यह कसम खाई है कि अगर तुमने द्वीप छोड़कर कभी सोरेंटो, कास्तेलमारे तोरे या किसी दूसरी जगह पर जाने की हिम्मत की तो हम भेड़ की तरह तुम्हें हलाल कर डालेंगे। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी, ये याद रखना। यह वैसी ही सच्चाई है जैसे कि तुम्हारी बिरादरी के लोग भले और ईमानदार हैं। मेरी बीवी को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मेरा सुअर तक तुम्हारी रोटी को कबूल नहीं करेगा। तब तक इस द्वीप पर ही रहो जब तक मैं यह न कह दूं कि तुम कहीं और जा सकते हो। सुनने में आया है मानो चिरोता हमारे जज के पास उक्त पत्र लेकर गया और ये पूछा, क्या ऐसी धमकी देने के लिए लुइजी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता?
जज ने मानो उसे जवाब दिया, बेशक ऐसा किया जा सकता है, लेकिन तब उसके भाई तो आपको हलाल कर ही डालेंगे, यहाँ आकर मार डालेंगे। मैं तो यही सलाह देता हूँ कि आप कुछ सब्र से काम लें, यही बेहतर होगा। गुस्सा तो मोहब्बत नहीं होता, बहुत समय तक बना नहीं रह सकता। जज ने उसे ऐसा ही जवाब दिया हो यह संभव है। वो बहुत दयालु, बहुत समझदार आदमी है और कविताएं भी अच्छी रचता है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि चिरोता ने उसके पास जाकर उसे यह पत्र दिखाया था। कुछ भी हो, चिरोता फिर भी ढंग का व्यक्ति है, इस तरह की एक अन्य चटपटी हरकत वह नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर उसकी खिल्ली उड़ती। महानुभाव, हम तो सीधे साधे मजदूर लोग हैं, हमारी अपनी ही जिंदगी है, उसके बारे में अपनी ही समझ और विचार है, तथा हमें इस बात का अधिकार है कि जैसे चाहें और अपने लिए जैसे बेहतर समझे वैसे ही उसका निर्माण करें। आप पूछ रहे हैं कि क्या हम समाजवादी हैं? मेरे दोस्त, मेरी अकल तो यही कहती है कि मजदूर आदमी तो समाजवादी ही पैदा होता है। बेशक हम किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी सच्चाई को पहचानने में भूल नहीं करते, क्योंकि सच्चाई की गंध बड़ी तीखी होती है और उसमें हमेशा मेहनत के पसीने की गंध बसी रहती है।